वेलकम टू माय चैनल चीज़ बैग्स। टुडेज रेसिपी इज़ होममेड वेज पिज़्ज़ा। ये मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है वेज पिज़्ज़ा, जो हमें बाहर नहीं मिलता होगा। शायद मैंने तो नहीं खाया कभी ऐसा टाइप का पिज़्ज़ा, लेकिन मैंने बनाया ज़रूर है, क्योंकि यहाँ घर में इंग्रेडिएंट जो अवेलेबल होंगे उसी के साथ हम बनाएंगे स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने ना ईस्ट का इस्तेमाल किया है, ना पिज़्ज़ा सॉस बनाया है, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने ये पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने ओवन और तवा दोनों पे दिखाया है ये रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स: मैदा 1 कप, नमक, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, दही 1/2 कप, मिक्स हर्ब्स ऑप्शनल है ये, तेल 1.5 चम्मच। अब एक बाउल में मैदा लीजिए, उसमें नमक और बेकिंग सोडा डालिए, उसमें बेकिंग पाउडर और मिक्स हर्ब्स डाल के इसे अच्छे से मिलाएं। इसमें मैंने दही डाला है और उसी के साथ मैंने इसे अच्छे से आटा इसका गूंद लिया है, ये देखिए। उसमें 1.5 चम्मच तेल डाल के वापस से मैं इसका आटा गूंद के रखूँगी 30 मिनट तक, कम से कम ढक के रखना है हमें। पिज़्ज़ा बेस मैंने कुकर में बनाया है, तो कुकर को हम पहले 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे। नीचे 1.5 कप नमक डालेंगे, फिर एक स्टैंड रखेंगे। अब मैंने आटे का एक गोला लिया है, इसे हम बेल लेंगे। देखिए मैंने ज़्यादा पतला या मोटा नहीं रखा बेस को। अब मैंने इसे कुकर के प्लेट में डाला है और एक कांटे चम्मच से लेके इस पर छेद किए हैं। अब ये प्लेट मैं इस पतीले में रखने वाली हूँ और कुकर में रख के इसे मैं 5 से 7 मिनट तक मध्यम आंच पे पकाऊंगी। कुकर की सीटी निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं ओवन की 10 मिनट के लिए हम प्रीहीट करेंगे ओवन को। 200 डिग्री सेल्सियस हीटर दोनों भी ऑन रखिएगा। शेल्फ प्लेसमेंट हमें बीच में रखना है पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस रखने के बाद हम 7 से 10 मिनट तक बेक करेंगे। और ये देखिए हमारे कुकर में का पिज़्ज़ा बेस रेडी है, और ये हमारे ओवन में बनाया था, ये दोनों पिज़्ज़ा बेस रेडी हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं पिज़्ज़ा बनाने के इंग्रेडिएंट्स: अमूल बटर, ये ऑप्शनल है, चीज़ स्प्रेड, यहाँ पे मैंने पेपर फ्लेवर यूज़ किया है, मिक्स हर्ब्स, यहाँ पे आप रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, बेसिल, आपको जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो इनमें से। पिज़्ज़ा बेस, ये बॉइल्ड मैश पोटैटो है 1 कप, चीज़ क्यूब है 2, ये बॉइल किए हुए ग्रीन पीस लिए हैं, मटर 1/4 कप, कटी हुई प्याज 1/2 कप, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है 1/2 कप, टमाटर लिया है 1/2 कप, टमाटो केचप। अब पिज़्ज़ा बेस को मैंने बटर और चीज़ स्प्रेड लगाया है, ये देखिए, अच्छे से इसे स्प्रेड कीजिएगा। अब हम इसमें लेयर लगाएंगे आलू की, ये देखिए इस तरीके से पूरी आलू की लेयर मैंने लगाई है। आप चाहे तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस बना के भी लगा सकते हो, लेकिन ये मैंने बहुत ही आसान तरीका ढूंढा था। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब्स डाले हैं, टमाटो केचप डाला है, मैंने यहाँ पहले ही डाल दिया टमाटो केचप, चीज़ स्प्रेड डाला है। अब इस पे डालिए चीज़ क्यूब ग्रेटेड, ये देखिए। अब एक तवे को 5 मिनट तक गरम कीजिएगा। उसके बाद हमने कुकर के प्लेट पे पिज़्ज़ा रखा है, इसे धीमी आंच पे पकाना है हमें। जब तक इसका बेस क्रिस्पी ना हो तब तक हमें पकाना है और सारा चीज़ मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए रेडी टू सर्व पिज़्ज़ा। ये बहुत ही आसान तरीके से दिखाया था मैंने इसे, पिज़्ज़ा बनाने की सबसे आसान तरीका,
और इसमें आपको जो पसंद आए, जो अवेलेबल हो, आप वो चीज़ें डाल सकते हो। जैसे पनीर हो गया, कॉर्न हो गया, मशरूम्स हो गए, किसी किसी को मशरूम्स भी काफ़ी पसंद है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें। अब हम ओवन को 10 मिनट तक प्रीहीट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने बीच में रखा है पिज़्ज़ा बेस। ये देखिए हीटर दोनों भी ऑन है, 200 डिग्री पे पकाया है मैंने ये 10 से 15 मिनट तक। सब हॉट एंड एंजॉय।